तो यार इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में पहला T20 हो चुका है, पर यार आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई जिस प्लेयर की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शुभमन गिल। एक नंबर का घटिया बैट्समैन मैं बता दूं भाई, मुझे लगता है ये इसको क्यों पैक किया जा रहा है भाई, इसके लिए सब प्लेयरों को बाहर कर दिया जाता है। जयसवाल ने क्या किया, हाँ जयसवाल रन बना रहा है, वो ईशान किशन लगातार इतने 50 बना रहा है, उनको तुम बाहर करके इसको खिला रहे हो, ये कर क्या रहा है भाई मुतिया? ये कभी आईपीएल के बाद से कौन से मैच में चल गया, ना टेस्ट में चला ना ओडीआई में चला, पूरा वर्ल्ड कप इसको अहमदाबाद में खिलाया कि वर्ल्ड कप के फाइनल में कि भाई ये रन बनाएगा, वहां पे मारता है उसमें वर्ल्ड कप में तुम नहीं चले, आज तुमने रोहित शर्मा को जीरो रन पे आउट कर दिमाग खराब कर दिया भाई। एक प्लेयर इतने टाइम के बाद कमबैक कर रहा है T20 में, तुम तो कब से T20 खेलते आ रहे हो, तुम्हारी गलती थी, तुम भागते हो भाई, खड़ा है चूतिया उधर हिलाई नहीं और 23 रन बना के आउट किया, घटिया शॉट, उस ओवर में दो चौके तुमने मार दिए हैं, तुमको तीसरे की क्या जरूरत है, ऐसा तो नहीं है तुम 250 रन चेस कर रहे हो, 150 रन तुम चेस कर रहे हो, 160 बस मॉडलिंग कराने को कह दो, मॉडलिंग करने मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा ये शर्ट में पहन के, चल प्रिंस हो चूती हो तुम भाई, तुमको क्यों चढ़ा रखा, मेरे को गुस्सा इसके लिए भी नहीं आता है, ठीक है तुम घटिया खेलते हो, ये इनके जो फैंस है भाई इनके बात कौन क्यों नहीं करता, रोहित शर्मा उधर एक दो रन बना ले बात करेगा, सबकी पता नहीं क्यों फटती है, उधर जितेश शर्मा 30 रन बना रहे बेचारा 15 बॉलों में 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे, इसको और मेहनत की जरूरत है, बनाने चाहिए गिल, तुम बात नहीं करते हो कमेंटेटर्स कोई भी, एकदम चूतिया पे वाली चीज हुई है जो आज करके रोहित शर्मा ने गाली तक दी उसको, वहां पे वो साला बाहर बैठा हुआ था, अंदर मिलने भी नहीं गया, मिलता तो कूट दिया जाता भाई, दिमाग खराब हो जाता है यार, तुम अपने प्ले भाई रोहित शर्मा पे रिंकू सिंह शिवम दुबे ये सब मतलब इतना अच्छा अच्छा और तुमसे कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है उसने भाई, तुमको जितने मौके मिले ना उसके 10% मौके नहीं मिले उनको, और ये विराट कोहली के बाद ये जगह लेंगे, और वो पता है क्यों खेल रहे हैं, रिंकू सिंह इतना मैच्योर के लगता है कि भाई फर्स्ट क्लास का क्रिकेट है उसके पीछे, 50 की एवरेज है फर्स्ट क्लास में, तुमने कितना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है मुझको बताओ, दिमाग लड़कियों के पीछे घूमने कह दो, सब इनकी डेटिंग लाइफ के बारे में कह दो, ये कह दो वो कह दो, सेल्फी खिंचाने कह दो, दुबई में घूमने कह दो, पर तुम भाई कुछ करो, कोहली भी करता है भाई, वो उसने रेस्ट लिया पर उसके बैक है क्रिकेट भाई, भाई क्या? बड़े मैच में परफॉर्म करता है, रन बनाता है, तुम्हारे भाई तुम क्रिकेटर हो पहले क्रिकेटर रहो ना, ये क्या उड़ रहे हो तुम, जब से तुम आईपीएल में तुम्हारा थोड़ा नाम बना है उसके बाद भाई तुम जमीन पर ही नहीं हो, पहले तुम जमीन पर भी थे पता नहीं, और एक तो इनकी पीआर टीम प्रिंस बता दिया है इसको, कहां का प्रिंस भाई, तुमने खेला क्या है, बाबर आजम मैं तुमसे ऊपर मानता हूँ पता है तुम्हें, अबे उसको तुम मैं नीचे मानता हूँ, अभी प्रिंस प्रिंस आए बड़े प्रिंस, अंडे से बाहर दो मैच में चल लेंगे आईपीएल के, बुली फ्लैट ट्रैक बुली मार देंगे और फिर उसके बाद खुद को अंपायर इनको आउट दे देंगे, अब भाई सचिन तेंदुलकर इतने बार अंपायर ने आउट दिया, सचिन तेंदुलकर रोने थोड़ा ना लग गया, ट्विटर पे रोने लग जाएंगे कैसे दे दिया मुझको, वैसे सोशल मीडिया इनको चलाने कह दो, लड़कियां घुमाने कह दो, तुम कुछ करो भाई, तुम लड़कियां घुमाओ सोशल मीडिया करो, कुछ भी हमको हमको मतलब नहीं है, तुम हागोगे ना तो हम सब जगह भाई, ये क्या था, खुद रन आउट हो जाते तुम चलता भाई, तुम भाई दूसरा प्लेयर तुम्हारा कप्तान तुम्हें कह रहा है भाई कि दौड़ो और वो दूसरे तरफ स्ट्राइक पे जा रहा है, वो आगे पहुंच गया भाई, वो अपने रिस्क पे दौड़ रहा है, तुम बॉल देख रहे हो और तुम्हारे होम ग्राउंड पे मैच है, तुम्हारे मोहाली में पंजाब में तुम्हारा मैच है, तुम्हारे होम ग्राउंड पे 23 रन मार के चले गए, और ये क्या एक्सप्रेशन है, दिमाग का खराब कर दिया तुमने, इंडिया जीत भाई अफगानिस्तान के साथ भी तुम नहीं मार पा रहे, अफगानिस्तान से तो इंडिया को जीतना ही था, बात जीतने की है ही नहीं, बात है ही नहीं, और बायलेटरल बात है, रोहित शर्मा आया था वो इतना कॉन्फिडेंस लग रहा था खेलते, वो इतनी बढ़िया कप्तानी की उसने, इतने अच्छी बॉलिंग कराई, लाइनअप उसने इतना अच्छा बॉलिंग लाइनअप लगाया भाई, पहली बार इतने सालों बाद हुआ है कि 6 बॉलर खिलाया, 6 को बॉलिंग दी उसने, नहीं तो 6 बॉलर खेलते थे, 1 बॉलर को बॉलिंग ही नहीं मिलती, 5 ही बॉलिंग कराते थे भाई, अगर तुमने चलो रन आउट भी करा दिया रोहित कोई ना भाई, तुम रन मार कर तो जाते, तुम्हारे घर पर मैच था, तुम 60-70 रन मार के जाते तो हम थोड़ा बोलते कि ठीक है कोई ना गलती हो जाती है, तुम रन मार ही नहीं रहे हो, टेस्ट में अश्विन के तुमसे ज्यादा रन है भाई, भाई मैं बताऊं इसको खिलाना ही नहीं चाहिए, इसको ड्रॉप करो भाई, इनको इनकी इतने हवा में उड़ गए हैं ना ये, इनको जब तक बाहर नहीं करोगे ना इन्हें अक्ल नहीं आएगी और ये चेंज भी नहीं करेंगे भाई, कब मारा है लास्ट टाइम, कब इसने विनिंग परफॉर्मेंस दी है इंडिया के लिए, आईपीएल छोड़ दो इंडिया के लिए कब इसने विनिंग परफॉर्मेंस दी है, मतलब कि मुझे ऐसा कोई वक्त नहीं आया जब इसने रन बनाए हैं बहुत ज्यादा,
बड़े मैचों में, इंपॉर्टेंट मैचों में, पूरा वर्ल्ड कप निकल गया इनके लिए। पुराने प्लेयरों को हटा दिया कि हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर है, ये फ्यूचर है हमारा। भाई तुम्हारी उम्र में कोहली भाई बाप था सबका, एक दो सालों चढ़ चढ़ के मारता था तुम्हारी उम्र में, ठीक है। प्रिंस प्रिंस इसने भाई सब किया और तुमसे लाख गुना ज्यादा किया है, उसके पीछे लड़ गया, तुमसे लाख गुना ज्यादा पागल थी। वो मतलब ही नहीं है भाई, तुम क्रिकेट खेलो भाई, सिर्फ क्रिकेट खेलो, इन रिंकू सिंह से सीखो भाई कुछ। रिंकू सिंह भाई जयसवाल भाई, भाई शिवम दुबे बंदा आया, उसने कमबैक किया भाई, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है यार। और भाई शांत ग्राउंड पे एनर्जी वेस्ट ही नहीं करती है, इतने मौके मिल रहे हैं चूतिया की तरह, वो तुम वहां पे ये हरकत है भाई, तुम अपना विकेट तो दे ही रहे हो, चूतिया कप्तान का भी विकेट। तुम्हारे पीछे हर फॉर्मेट से प्लेयर निकाले जाते हैं भाई, तुम्हारे लिए धवन को बाहर निकाला पहला, तुम्हारे लिए अजिंक्य रहाणे को टेस्ट से बाहर निकाला, चेतेश्वर पुजारा को जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ रहाणे ने रन मारे उसको तुम्हारे लिए बाहर निकाला, T20 में तुम्हारी जगह बनाने के लिए जयसवाल, ईशान किशन, इतने प्लेयरों को निकाला गया और तुम ये क्या खेल रहे हो, एकदम हग रहे हो यार भाई, क्या बताया, नहीं खेलना है तो बैठ जाओ जाकर किनारे, डायरी में लिख लो इस साल का गोल ये है, इस साल का गोल ये है, इस साल यहाँ मरानी, इस साल वहां मरानी है, जैसे हर बार लिखते हो। तो पिछले साल लिखा था वर्ल्ड कप में लगा दी थी हमारी, वर्ल्ड कप जीतेंगे बहुत, मैं पर्पल कैप जीतूंगा, पर्पल कैप ऑरेंज कैप जो भी मिलती है आईपीएल में, जीतते रहो वही भाई और आईपीएल तक ही रहो, ऐसा परफॉर्मेंस हमें, पैसे कमाने पैसे मन से कमाओ। हमारे लिए भाई क्रिकेट रिलीजन है, इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया के लिए खेलो तो औकात में खेलो, ढंग से खेलो। ये चूतिया पर ऐसी हरकतें भाई, मेरे को एक प्लेयर ऐसा नहीं चाहिए जो हग रहा हो साला। भाई वर्ल्ड कप का साल है, हम भाई हमेशा कहते हैं हम फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप के, हम 2011 के बाद हर वर्ल्ड कप में फेवरेट। भाई रियलिटी पे बात होगी, रियलिटी पे जो रियल चीज है, ये बात नहीं होगी कि हाँ शुभमन गिल हम टीम इंडिया, और ये क्या ट्रेंड चल जाता है, हम विनिंग टीम इंडिया के साथ नहीं है, हम ओनली टीम इंडिया के साथ है सब बड़े। भाई कोई हगे उसको बोले भी ना, ये तुम्हारी पीआर टीम ने जो गेम बना रखी है ना, और ये जो जनता का बेवकूफ बना रखा है भाई, अगर परफॉर्म करके देखो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके हारे रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको किसी ने कोई नहीं बोला, राहुल भाई राहुल जान लगाई, इनको किसी ने कुछ नहीं बोला, इनके चक्कर में तुमको भी किसी ने कुछ नहीं बोला गिल, लेकिन भाई तुम हगते ही चले आओगे, हर जगह टट्टी करोगे तो भाई बोलेंगे तो है ही है तुमको, मतलब भाई पूरा माइंड खराब, ठीक है मतलब मैच तो यार ठीक है, मतलब देखने हमें भाई रोहित शर्मा की बैटिंग हमें भाई, हम भाई लेटरल सीरीज थी, हमें भाई कुछ मतलब भी नहीं था, हमें पता था इंडिया जीतेगी भाई, अफगानिस्तान से मैच है, इंडिया में मैच है, और इतनी जितनी आसानी से जीते हमें पता था भाई बहुत आसानी से जीतेंगे, कितनी औकात है अफगानिस्तान टीम की हमें पता है, पर तुम भाई इन टीमों के खिलाफ नहीं मार पा रहे हो, तुम वहां पे भाई अभी वर्ल्ड कप में हक के आए हो, इतनी झांटू झांटू बॉलिंग के सामने। अरे भाई लिख के ले लो इसको T20, अगर ये परफॉर्म नहीं करता इसको T20 में खिलाया ये फिर से हगेगा। अरे मैं पता है क्या कह रहा हूं, अभी आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में कोई प्रेशर नहीं होता है प्लेयर पे, आईपीएल में रन बनाएगा भाई हमारा, आईपीएल में जिंदा रन बनाएगा, 800-900 इस बार 1000 रन भी बना देगा, फिर वैसी पोस्ट डाल देगा ओ मैं बाहर की नहीं सुनता हूँ, फिर वर्ल्ड कप में लेना ही पड़ेगा 800-900 रन बना दिए क्योंकि, और जो हमारे डिजर्विंग प्लेयर हैं जो इतने एवरेज से रन भाई मैं बताऊं बनाते हैं, विराट कोहली रोहित शर्मा के बाद कोई प्लेयर है तो वो केएल राहुल है, तुम नहीं हो, केएल किसी एंगल से नहीं हो तुम, इस बार केएल राहुल ही प्लेयर है मैं बता रहा हूँ, ओपनर कोहली रोहित बस, तीसरे पे सूर्य कुमार, चौथे पे केएल, किसी को भी खिलाओ, यही टीम है हमारी, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, इन्हें अभी लिस्ट ए क्रिकेट खेलना है, इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है कि तुम साले इनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये जो 2-3 इनिंग से ये चौड़ में घूम रहे हैं ना, वो 200 मारा है इसने लास्ट, वो भी छोटी टीम के खिलाफ, उसके बाद इसका कोई रन नहीं है भाई। हालांकि ये तो मैच की बात होगी, मैच हम बहुत आसानी से जीत गए, आप सबने देखा होगा कि बहुत ही आसानी से शिवम दुबे, मुझे लगता है मैं क्या खेला, क्या शानदार बॉलिंग कराई है, गिल को भाई हार्दिक पांड्या की जगह लाओ, हाँ। हार्दिक पांड्या चूतियों को कहो घर पे बैठे साला, गिल को साइड रखते हैं भाई, जो खेला है दुबे ने भाई, भाई को 5 मैच की सीरीज में रखा गया था उसमें खिलाया नहीं, अगले में साउथ अफ्रीका में ड्रॉप कर दिया, आज उसका कमबैक था भाई, बॉलिंग इतनी शानदार, बैटिंग इतनी सेंसिबल, इतना लंबा स्कोर नहीं था इसलिए स्लो खेला वो, अगर 200 खेला भाई मतलब जिस 30 में उसके 40 थे उस हिसाब से मैं स्लो कह रहा हूँ, क्योंकि रन बहुत कम थे चेस करने के लिए, अगर 200 थे तो उस स्पीड से भी मारता 60 रन मारे हाँ, इतना सेंसिबल तरीका भाई, और कितना उसने मैच खेले उसको कितना मौका मिला, एक मौका मिला गांड तोड़ दी उसने भाई, बहुत कम मौके मिले, बहुत जबरा खेला यार, और
डिजर्विंग था कि आज भाई उसका कमबैक लगा है कि भाई हाँ ये बंदा हार्दिक पांडे अब दूसरे मैच में इंजर्ड हो जाता है भाई, कम से कम हार्दिक पांडे को भी तो डर हो कि उसके पीछे भी प्लेयर हैं, उसको डर ही नहीं है भाई कि मैं ये ऑलराउंडर हूँ, कौन है ऑलराउंडर मेरे अलावा फास्ट बॉलिंग। भाई हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट तो मस्त था भाई, इसको बनाना चाहिए, रोहित शर्मा का सही डिसीजन। हाँ इसको बैक करो भाई, जितना हो सकता है मौके दो भाई, लगता है कि कोई प्लेयर मार रहा है, जान है भाई, बिल्ड है, जोर से मारता है भाई, गिल विल की तरह नहीं कि दो चौके ओवर में मार दिए, ये करके यहीं पे कैच दे देंगे। अल्लाह तो खैर यहाँ पे तो ये बात होगी, लेकिन एक जो मेन बात है जो मुझे करनी थी, ये फैंस साले चूतिया है क्या? हाँ ये ट्विटर पे तुम क्या, अरे भाई भाई नाम खराब होता है भाई, भाई बाहर में पता है खिल्ली उड़ाई जाती है, पता है खिल्लियां उड़ती हैं भाई, ये जो हमारे पड़ोसी देश में देश है, भाई भाई ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं रोहित कोहली का मूत, अरे भाई, और इसमें गाले किसको दे रहे हैं, वो बेचारी विराट कोहली की बच्ची को, अनुष्का शर्मा को, रोहित की बीवी को, फैमिली को गाली दी जा रही है, और ये क्या चल रहा है भाई, ये किस बात की बात है भाई, रिलीजन क्यों कह रहे हैं, वो वहां पे ग्राउंड में इतने अच्छे दोस्त दिखा रहे हैं, वो आपस में इतना साथ रहते, तुम यार आपस में चूतिया आप करते रहते हो एक दूसरे, रोहित कोहली, रोहित कोहली अभी गिल की वजह से रोहित आउट हुआ, कोहली के जो इंस्टाग्राम पे पेज है जो वॉन्नबी कोहली फैंस है, रोहित ने आउट करा दिया गिल को, गाली दे रहा था भाई, काम थे उसके गाली के, देंगे ही, ये क्या है भाई, यूनाइट रहो भाई, रोहित कोहली इतने प्यार से रहते हैं भाई, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है कि इतने दो बड़े प्लेयर हैं भाई एक टीम में, तुम्हें खुश होना चाहिए भाई, बहुत लोगों ने कोशिश की इन लोगों को लड़ाने की, भाई किस टीम में इतने दो बड़े प्लेयर हैं भाई, मुझे बताओ, मुझे नाम गिना के बता दो, रोहित कोहली भाई जब ये चले जाएंगे ना दो तीन साल में भाई, तुमको याद आएगी भाई, जब कोई जब हम हार रहे होंगे ना वेस्ट इंडीज के जो हाल चल रहे हैं अभी, जब हमारे हाल चलेंगे ना तब तुम्हें वैल्यू पता चलेगी इन प्लेयर्स की, कसम से यार, थोड़ा तो यार थोड़ा ग्रो अप कर लो यार, दिन भर ट्विटर 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 करते रहे तो कमेंट करते रहोगे, जिंदगी जी लो भाई, जिंदगी बनाओ अपनी, निकलो अपने माँ बाप की शक्ल देखते होगे, थूकते होंगे तुम पे, क्या लाज पैदा कर दी है, अगर तुमने कुछ उखाड़ भी लिया तब भी थूकते होंगे भाई, ये क्या कर रहे हो चुतिया पे, जिनके पास समय होता है ना वो नहीं करते ऐसी चीजें, जब वेले लोग है ना ऐसी चीजें चलाने वाले, भाई कप्तान है हमारा भाई, बड़ी बात होती है भाई, टीम इंडिया का कप्तान है भाई, बाहर कितना मानते हैं भाई कप्तान को, भाई कुछ भी ना हो भाई, किसी की फैमिली को गाली क्यों दे रहे हो, किसी की फैमिली तुम क्यों ला रहे हो बीच में, हम गिल से इतने भी खफा है, हमने भाई हमने इतना कुछ बोला, गिल को बोला ना कि ऊपर बोला कि उसके क्रिकेट पे बोल रहे हैं हम, क्रिकेट पे रहो भाई, क्रिकेट पे रहो सिर्फ, उससे ज्यादा आगे पीछे मत भागो भाई, एक तरीका है, ठीक है इसी नोट पे एंड करते हैं आज का मैच, हो गया इंडिया, अच्छी बात है नेक्स्ट मैच में हमारे विराट भैया आ जाएंगे वापस, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि विराट और रोहित ओपनिंग करें, वो भाई देखना है हमें विराट और रोहित की ओपनिंग भाई, एक सपना है, ड्रीम है, तो वो होना चाहिए, तो ठीक है आप बताएं क्या पॉइंट्स हैं आपके मैच से, आप क्या कमेंट सेक्शन में, आप किसी को भी गाली देना चाहते हैं, हमें भी देना चाहते हैं, गिल के फैंस को भाई दो हमें गाली, हमने सेंसिबल बात की है, अगर कोई बात गलत लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हमें बताओ कि हमने कोई बात गलत नहीं की है, मैं अभी बोल देता हूँ गिल को जो बोला है भाई वो 100% सही है, अगर तब भी आपको लगता है गलत है तो भाई पर्दे में हो आप, सीधी बात, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है एक बात चेंज करते हैं, जय हिंद। कितने मिनट की बना दिया नहीं तो चुप भी नहीं हो रहे थे। Silence.